नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इतनी भयंकर तेज़ी बन रही है इसी स्टॉक में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्यूचर ग्रुप के पूरे सेक्टर में तेज़ी आज देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो तेज़ी दिख रही है आपको, ये वजह है तेज़ी का क्या है वो मैं आपको वजह भी बताता हूँ। और देखिए, आज इसने 7 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए जो ये न्यूज है, देखिए न्यूज ये है कि अमेजॉन वाज फ्यूचर ग्रुप, ठीक है, जो सीएस स्टे हुआ था, जो पेंडिंग था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया है, ठीक है। ये देखिए न्यूज कब की है, 9 तारीख 13:40 की। तो जो इनका मामला रिलायंस के साथ चल रहा था, फ्यूचर ग्रुप का, देखिए जो रिलायंस के साथ जो डील हुई थी, और सबसे पहले डील हुई थी अमेजॉन के साथ और फिर डील हुई रिलायंस के साथ, तो उसी में मामला फंसा हुआ था। और वो आज मामला जो पेंडिंग था वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसी की वजह से इस स्टॉक में आपको भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर में आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए NCLT आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इसका NCLT है, NCLT, CCI एंड सेबीज, मतलब सबको नोट किया गया है कि फाइनल ऑर्डर है फ्यूचर और रिलायंस का जो डील हुआ था, मतलब 4 वीक के अंदर सब कुछ, मतलब सेट देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप तेज़ी का फ़ायदा अगर आप अभी उठाएंगे तो ही आपको ये तेज़ी का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो आपकी इस स्टॉक पे नज़र क्या, अभी से आप ख़रीदारी कर लीजिए, आपको और भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।